पंचायत पीर बेडलू ग्राम सभा क्षेत्र जोगिंद्रनगर के रहने वाले हैं। हमें बरसात के टाइम में खड्ड क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती है और प्रशासन को कम से कम 20 सालों से इस पुल के निर्माण के लिए हम मतलब बोलते आए हुए हैं, लेकिन प्रशासन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल जाने में इतनी दिक्कत होती है कि सवेरे बड़ी मुश्किल हो जाती है, कैसे ले जाएं बच्चों को स्कूल, कैसे बच्चों को खड्ड क्रॉस करवाएं। हमें इतनी प्रॉब्लम होती है कि हम बड़े दुखी हो गए हैं। प्रशासन से बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी हमें एक छोटी सी पुलिया का निर्माण करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई उसका मतलब कोई भी प्रशासन उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है। आगे प्रशासन से हमारा तो यह अनुरोध है कि इसमें जितनी भी जल्दी हो सके इस छोटी सी पुलिया बनाए क्रॉस करने के लिए खड्ड में। हम बाकी हमें कोई रोड नहीं चाहिए, हमें तो पुलिया क्रॉस करने के लिए पुलिया चाहिए, लेकिन वो भी प्रशासन हमें नहीं बना के दे रहा है। चाहे तो पीर बेडलू ग्राम सभा क्षेत्र जोगिंद्रनगर के रहने वाले हैं। हमें बरसात के टाइम में खड्ड क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती है और प्रशासन को कम से कम 20 सालों से इस पुल के निर्माण के लिए हम मतलब बोलते आए हुए हैं, लेकिन प्रशासन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल जाने में इतनी दिक्कत होती है कि सवेरे बड़ी मुश्किल हो जाती है, कैसे ले जाएं बच्चों को स्कूल, कैसे बच्चों को खड्ड क्रॉस करवाएं। हमें इतनी प्रॉब्लम होती है कि हम बड़े दुखी हो गए हैं। प्रशासन से बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी हमें एक छोटी सी पुलिया का निर्माण करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई उसका मतलब कोई भी प्रशासन उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है। आगे प्रशासन से हमारा तो यह अनुरोध है कि इसमें जितनी भी जल्दी हो सके इस छोटी सी पुलिया बनाए क्रॉस करने के लिए खड्ड में। हम बाकी हमें कोई रोड नहीं चाहिए, हमें तो पुलिया क्रॉस करने के लिए पुलिया चाहिए, लेकिन वो भी प्रशासन हमें नहीं बना के दे रहा है।